जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं FYA। कोई भी चीज़ परचेज करें जो गाड़ी ना हो उस पर मिलता है AIA, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1 मिलियन, जिसको हमने देख लिया। फर्स्ट ईयर अलाउंस FYA, फर्स्ट ईयर अलाउंस 100% होता है, यानी जितने की चीज़ है उतना ही फर्स्ट ईयर अलाउंस होगा। जिस साल खरीदी जाएगी उस साल होगा। किस पे होगा? गाड़ी पे। क्या हर गाड़ी पे FYA मिलेगा? नहीं, उस गाड़ी पे मिलेगा जिसको कहते हैं लो इमिशन कार। लो इमिशन कार, लो इमिशन कार क्या होती है? जिसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन 50 ग्राम तक हो, अप टू 50 ग्राम, यानी 50 और उससे कम CO2 एमिशन वाली गाड़ी को हम लो इमिशन कार बोलते हैं। और लो इमिशन गाड़ी पे हमें फर्स्ट ईयर अलाउंस एट द रेट ऑफ 100% मिलता है। क्वेश्चन हम देखते हैं, मिस्टर आमिर, ईयर एंड, ईयर एंड मतलब 12 मंथ्स का ईयर एंड है मिस्टर आमिर का। WDV यानी इनका रिटर्न डाउन वैल्यू मेन पूल का जो है वो है 100,000। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 3 चीज़ें परचेज करी। नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी। गाड़ी के अलावा कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें मिलता है AIA। ऑफिस इक्विपमेंट गाड़ी के अलावा खरीदा है तो AIA। फिर गाड़ी, गाड़ी पे AIA नहीं होता। लो एमिशन गाड़ी हो तो उस पर FYA होता है। क्या ये गाड़ी 50 ग्राम तक है? जी सर, ये 50 ग्राम वाली है तो इस पर क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा। क्वेश्चन समझा, फर्स्ट ईयर अलाउंस कब मिलता है ये समझा। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट ईयर अलाउंस कैसे कैलकुलेट होगा? कोई साइंस नहीं होगी, बड़ा आसान होगा। हमने करना है मेन पूल और हमारे पास एक कॉलम है कैपिटल अलाउंस का। ये दो कॉलम तो हमारे पास हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं WDV, फर्स्ट जनवरी 2019, 100,000। रूल के हिसाब से पहले हम AIA का काम कर रहे होते हैं तो क्वालिफाइंग फॉर AIA वो चीज़ें ले लो जिन पे AIA लगेगा। अभी हमने आइडेंटिफाई भी की हुई है। तो नंबर 1 है प्लांट एंड मशीनरी, नंबर 2 है ऑफिस इक्विपमेंट या फर्नीचर, जो भी है 100,000 ये है और 50,000 ये है। टोटल आ गया 150,000। AIA मैक्सिमम कितना अवेलेबल होता है? सर, AIA हमारे पास मैक्सिमम जो है वो है 1 मिलियन का। यहाँ पे परचेजिंग लेस देन अ मिलियन है तो जितनी है उतना ही AIA मिल जाएगा और ये कैपिटल अलाउंस कॉलम में 150,000 चला गया। क्वालिफाइंग फॉर AIA ख़त्म हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कोई एडिशन या परचेजिंग बाकी तो नहीं बच गई? तो सर, एक गाड़ी भी तो है ना, तो वो गाड़ी पे क्या लगना चाहिए? सर, वो गाड़ी जो है वो है लो एमिशन कार। और लो एमिशन कार किसको बोलते हैं? जिसका CO2 लेस देन या अप टू 50 ग्राम्स तक हो, उस पर क्या लगता है? उस पर लगता है FYA, फर्स्ट ईयर अलाउंस। तो फर्स्ट ईयर अलाउंस हम हेडिंग लगा देते हैं क्वालिफाइंग फॉर FYA। उसके अंदर आ रही है हमारे पास कार, CO2 लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। 50 ग्राम्स है इसका तो ये इसमें आएगी। फर्स्ट ईयर अलाउंस का सेपरेट कॉलम बना लेते हैं। और ये गाड़ी कितने की खरीदी थी? सर, ये 25,000 ही खरीदी थी, इसको हम उसके सेपरेट कॉलम में लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर अलाउंस का सेपरेट कॉलम बना लेते हैं और उसको हम उसके सेपरेट कॉलम में लिख लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फर्स्ट ईयर अलाउंस होता कितना है? सर, फर्स्ट ईयर अलाउंस हमारे पास होता है 100%। चले भाई, 100% कॉलम क्लोज हो गया। फर्स्ट ईयर अलाउंस इज आल्सो कैपिटल अलाउंस। तो फर्स्ट ईयर अलाउंस 25,000 था तो कैपिटल अलाउंस कॉलम में 25,000 चला गया। फर्स्ट ईयर अलाउंस का कॉलम आएगा जिस साल, उसी साल वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर अलाउंस 100% होता है।